नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर लेके आए हैं। देखो बच्चों, पूर्णांक 100 नंबर रहेगा, समय 2 घंटे रहेंगे आपके, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। इसका क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखो, निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। नोट में देखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। खंड का देखेंगे, सबसे पहले बहुविकल्पी है, और ये सब क्वेश्चन बच्चों नौकरी के परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। देखो, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा 16 महाजनपदों, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें मगध साम्राज्य बच्चों सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। हड़प्पा सभ्यता में खेतड़ी राजस्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो बच्चों, एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। देखो, खेतड़ी में ता है और यहाँ भी पहले ता है, तो खेतड़ी जो राजस्थान है इनमें तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों? तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य जो है किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, तमिल, पाली? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध आप जानते हो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। अपना पहला उपदेश बच्चों सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? देखो बच्चों, सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, और ये जो है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये बच्चों विष्णुगुप्त, जिसको जो है चाणक्य कहते हैं, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर का संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का, दो भाई थे बच्चों, हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को की किसने शामिल किया? जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने शामिल किया? तो महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। हिडिंबा कौन थी? तो हिडिंबा जो है ये जो है बच्चों हिंडिन राक्षस की बहन थी। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। मोहनजोड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो माँ से मोहनजोड़ो, माँ से मृतकों का टीला। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, मूर्तों का टीला यानी मृतकों का टीला। अब खंड खास से अति लघुतरी प्रश्न है, दो दो अंक देखेंगे। बुद्ध के जीवन से जुड़े बोधगया सारनाथ नामक स्थानों का महत्व बताइए। तो बच्चों बुद्ध के जीवन से जुड़े जो बोधगया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोधगया में, और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है सारनाथ, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोधगया कहाँ है? ये बिहार में है। मेगस्थनीज कौन था? उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। तो मेगस्थनीज बच्चों, ये इस मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है, और मेगस्थनीज जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नमक दो भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो 4 महाजनपद के नाम बच्चों, इससे हो गया काशी, हो गया वत्स, हो गया और कुरु, हो गया पांचाल, हो गया, ये सब 4 महाजनपद थे। आप लिख सकते, बहुत कठिन नहीं है बच्चों, आप पढ़ लेंगे तो 16 महाजनपदों का नाम याद हो जाएगा। अब देखो खंडगा है, लघु उत्तरी प्रश्न है, जो 5 अंकों को आपको मिलेंगे, बहुत कठिन नहीं है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं? तो बच्चों स्तूप जो होता है बालू वगैरह का टीला होता है, ढेर हो जाता है बालू के, इकट्ठा करके जो है बना दिया जाता है। कभी कभी मिट्टी को भी इकट्ठा करके ईंट वगैरह से बना दिया जाता है, वही स्तूप होता है, समझ रहे हो? और उसमें कब्रस्तान वगैरह होती है स्तूप में। सती प्रथा
के कौन से तत्वों ने बनियार को ध्यान अपनी ओर खींचा, अगर उसे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिखिए, तो सब पढ़ाया गया बच्चों, आप लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं जो है। उसके बाद में 19 नंबर है जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में लिखिए। 5 नंबर का सांची के स्तूप के संरक्षण भोपाल के बेगमों की भूमिका के दो उदाहरण कीजिए। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलेखों का वर्णन कीजिए। अब देखो खंड का दीर्घ उत्तरी प्रश्न 10 अंक का रहेगा। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों का उल्लेख कीजिए अथवा सामान्य लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों को किन स्रोतों से सहायता मिली, इसमें से एक करना, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त की पर आधारित थी, इसको कीजिए चाहे इसको। स्तूप क्यों कैसे बनाए जाते, बहुत सरल है ये जो है। अब 10 अंक का रहेगा बच्चों, 10 अंक का देखो ये चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको, देखो अथवा दिया गया है। उसके बाद में यहाँ तिथियाँ दी गई हैं, 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो देखो बच्चों सब सरला क्वेश्चन है। देखो 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत होती है, 1336 विजयनगर की स्थापना हुई थी। देख लो ना बच्चों, मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं आपको। देखो वह स्थान जहाँ बाजरे के दाने प्राप्त थे, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ये जो है देखो वह स्थान जहाँ बृजेश्वर मंदिर स्थित है, लोथल बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है, वह स्थान जहाँ सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, समझ रहे हो बच्चों।